नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। जनपद सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका बाजार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संदिग्ध अवस्था में एक नवजात शिशु बच्ची का शव मिला है। वही शव मिलने से अस्पताल के कर्मचारियों में खलबली मच गई है। एक औरत का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। उस वीडियो में एक महिला देर रात्रि में आती है, ओपीडी के रूम में जाती है और कुछ देर बाद रूम से निकलती है, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा है कि नवजात शिशु बच्ची का शव किसने रखा। लेकिन वीडियो के माध्यम से महिला की खोजबीन की जा रही है। अधीक्षक एस के पटेल ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं अधीक्षक एस के पटेल ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देर रात्रि में एक महिला आती है और कुछ देर बाद रूम के बाहर जाती है। जब सुबह हुआ तो दाई के माध्यम से पता चला कि एक नवजात शिशु बच्ची मिली है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस नवजात शिशु बच्ची के शव को थाने में लेकर गई है। हमारी सुबह दाई क्या अटेंडेंट है जो अपनी लड़की की डिलीवरी कराने के लिए आई थी, उसने सुबह 4-5 बजे के आसपास देखी है। वो सूचना हमको दी है। उसके बाद हम लोगों ने इसको जांच पड़ताल कैमरे में किए हैं तो 2:36 के आसपास जो है एक महिला जो है संदिग्ध हालत में इस अंदर घुस रही है हॉस्पिटल के अंदर, जो पेट पर अपना हाथ लगाई हुई है और उसी पर शक किया जा रहा है। लेकिन कैमरे में उसकी चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही है, इसलिए उसका बहुत डिटेल हम लोग नहीं ले पा रहे हैं और इसके लिए हम SI को इन्फॉर्म कर दिया गया है थाना उसका के, जो आकर के मृत लड़की नवजात से जो मृत लड़की थी उसको कब्जे में ले लिया है और अपना आगे। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।